कच्चा देख लिया करता दस छेद ना होना इनसे पूछ इनके घर में से कौन सा आर्मी में है कौन सा पुलिस में कौन सा किसान है। दोस्तों मैं अनुराग ओझा, कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे। मैं मौजूद हूं कन्हैया कुमार की लोकसभा सीट पर और यहां की जनता से सीधा रूबरू होंगे और जानेंगे कि कन्हैया कुमार या मनोज तिवारी, क्योंकि दो बिहारी कड़ी टक्कर में हैं। क्या लगता है चाचा, मनोज तिवारी कन्हैया कुमार? कन्हैया कुमार गंदाबाद। कन्हैया कुमार जिंदा? भैया कन्हैया कुमार मनोज तिवारी? कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार? कन्हैया कुमार। सब कन्हैया है, बीजेपी भाई। पूछने की जरूरत नहीं है, कन्हैया कुमार जीते हुए हैं। जीते हैं? 10 बजे तक जीत गए। 10 बजे भी नहीं लगा। लगभग कितने वोटों से? लगभग लाखों से जीते गए। लाख प्लस से जीते कन्हैया कुमार। रिंकिया के पापा का क्या होगा? रिंकिया के पापा तो वो रिंकिया के पापा करेंगे, वो ढोल का मचा बजाएंगे। अरे वो रिंकिया के पापा ही करेंगे, ऐसे ही करेंगे। ऐसे ही करते हैं? ऐसे ही करते हैं। कौन कौन सा गाना सुने उनका रिंकिया? अरे उनका गाने क्यों सुनेंगे, गाने ही नहीं सही बनाए, ऐसे बनाते हैं। एक बात मेरी सुनिए, जो दिनेश निरहुआ का काम होगा वही मनोज तिवारी का काम होगा। तमा निरहुआ से भी खुश नहीं? नहीं बिल्कुल नहीं। तो इस बार बदल देंगे? सत्ता बदलना है, सत्ता बदलना है। क्या लगता है भैया? क्या बताओ, कन्हैया कुमार है मनोज तिवारी? कन्हैया कुमार तो यार सबको ज्यादा पॉपुलर है भाई, मनोज तिवारी कौन है? सुरोही है। कौन भैया बता रहे भाई? क्या आइए आप? अरे यार आप बताओ यार, यार कन्हैया कुमार कंपेयर कर रहा है, ठीक है? रुको सुनो, क्या जय श्री राम? जय श्री राम के बारे में क्या जानते हो? राम को पढ़े हो? हम जय श्री राम। जय श्री राम। राम से पूछो, ए कोई बोलेगा नहीं। रामचरितमानस कितने आए थे पहले? नहीं जय श्री राम। रामचरितमानस को नहीं पता, इतना नॉलेज नहीं है। सिर्फ हमको पता है नहीं। जय श्री राम, जय श्री राम, इधर आओ, जय श्री राम लगाएंगे। मैं आपको बता दूं कि इन लोगों का एक ही है, एक ही नारा, एक ही नाम, झूठ बोलो सुबह शाम, पकड़ा जाओ तो जय श्री राम। हर बात में जय श्री राम, हर चीज में धर्म का मुद्दा ले आते हैं। बात करिए मुद्दों पे, बताइए भैया महंगाई है कि नहीं है? भाई महंगाई नहीं, स्टूडेंट से पूछ ले, स्टूडेंट एरिया है भाई, स्टूडेंट एरिया में स्टूडेंट सर्वाइव नहीं कर पा रहा, इतनी महंगाई हो गई है। महंगाई सिर्फ आटे और इसमें ही है। आप जो वीडियो बना रहे हो, ठीक है, इसका आप जो डाटा यूज करते हो, पहले के टाइम में कितने का आता था आपका 1 GB डाटा? आज वही 1 GB डाटा 19 रुपए का आ रहा है। 19 रुपए का डाटा खर्च करके जो वीडियो बना रहे हो, इसका तो कोई किस पे चले जाता है? मोदी सरकार पे। क्यों क्यों जा? 1 GB 3 महीने चलता था, कहाँ चलता था 1 GB 3 महीने? कहाँ चलता, किस पे चलता? आज के वीडियो, ये जो तुम आईफोन, ये जो नंबर पे है डाटा, जो तुम सब्सिडी ले रहे हो, ये जो तुम सब्सिडी दे रहे हो ईवी में, ये जो तुम सब्सिडी दे रहे हो ईवी में सब्सिडी ले रहे हो, ईवी में सब्सिडी ले रहे हो, ईवी इनको तो हर चीज में ईडी दिखाएगी भाई। केजरीवाल चला गया तो ईडी। भैया ये खाएंगे डाटा, हम खाएंगे आटा। आटा पूछो कितना महंगा था, आप कितना सस्ता है पूछो। आटा कितने में था? अरे एक मिनट, ठीक है आटा की बात रही ना, जब देश आजाद आटे से पेट नहीं भरता, किससे पेट भरता है? ये जो काम, एक मिनट भैया, आटे से पेट भरता है। मोदी मोदी कर रहे ना सबकी, जाना कच्चा देख ले करता 10 छेद ना होना। इनसे पूछ इनके घर में से कौन सा आर्मी में है कौन सा पुलिस में कौन सा किसान है। सुन कच्चा फटा हुआ इनका कच्चा, सुन भाई कच्चा फटा हुआ। अगर कच्चा ना फटा हुआ अपना कच्चा उतारेगा, अगर कच्चा ना टी शर्ट में भी छेद है इनसे सुन तेरे घर में कोई आर्मी में है, पुलिस में है, पुलिस में किसान का बेटा है, पता क्या है? पता किसान का बेटा होता तो ऐसे नहीं करता, अगर पुलिस का बेटा होता तो ऐसे नहीं करता। किसान का दर्द नहीं समझ पाने का, ठीक है? ए भाई कह रहे हैं इसको डीएपी और यूरिया की कितनी कितनी खपत क्वांटिटी कम हो। मेरे बाप दादा की बात है, बाप दादा भाई, अभी भाई महंगाई की बात कर रहा था, भाई महंगाई की बात, महंगाई की बात कर रहे ना, महंगाई की बात कर रहे थे ना। फार्मर है यहाँ, क्या गांडवर वाला है भाई? तू क्या कर रहा है? तू क्या कर रहा है? रुक जा, अरे रुक जा,
तूने भाई महंगाई की बात करी थी ना, तू ये जो वीडियो बना रहा है आज 19 रुपए डाटा मिल रहा है जिससे तू ये वीडियो डाल रहा है, ठीक है? मैं 239 का, अगर ये 239 और घर पे 239 तो वो 239 का रिचार्ज करा रहे ना, ऐसे ही करूंगा जब तुम ये जब ये कच्चे बच्चे की बात करेंगे सुन भाई, वो ऐसी बात करेगा हम भी ऐसी करेंगे। बात खत्म दोस्त, अरे मेरी बात सुन ले से बात अपनी बातें वहाँ पे ला रहा आदमी, दस रुपए का आदमी रिचार्ज कराता था और ठीक है एक महीने जिसको मिस कॉल के द्वारा अपना काम चला लेता था, मिस कॉल के द्वारा कौन अपना काम चला, हमने चला चला के दो हमने नहीं, यही पत्र यही जर्नलिज्म वाले बड़े होकर सुधीर चौधरी और अमीश देवगन बनते हैं। मैं आपको फिर बता दूं कि यही लोग सुधीर चौधरी और अमीश देवगन बनेंगे, क्या लगता है भैया कि चलाने से काम होता है? देखो धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए, सिर्फ पहली बात तो यो है, और जितने ये जय श्री राम कर रहा है ठीक है सबका आस्था का विषय है, मगर जितने ये राम राम कर रहा है जय श्री राम कर रहा है, इन्होंने कितने राम मंदिर के दर्शन करे मुझसे पूछो, एक भी नहीं गया होगा ना, तो क्या फायदा जय श्री राम से? जब नमाज पढ़ जब कोई आदमी अल्लाह अल्लाह करे नमाज नहीं पढ़े तो क्या फायदा? बिल्कुल इसे पूछो ना, फिर कोई फायदा नहीं है। यूपी का एग्जाम उठा के देख लो, सुनो सुनो अरे सुनो, वो किसान की बात कर रहा है, उसको ये तो पता नहीं चला कि यूरिया और डीएपी की कितनी क्वांटिटी कम हो गई, उसको ये तो पता नहीं किसान की बात कर रहा है, एक खेत में अगर एक बीघा वो कितने किलो का, पहले कितने किलो का था इसे पूछ के बताओ, 50 से 45 तो बोल रहा हूँ, पूछो रेट भी पूछना एक बार, और जब जब लेने जाते हैं ना उस टाइम पूछना क्या है उसका कट्टा कितने रुपए का हुआ है, किसान भी परेशान है, किसान भी परेशान है, बहुत परेशान है किसान, बहुत परेशान है, अगर आप एक बीघे की लागत उसकी देख लोगे तो जितना फसल नहीं हो रहा उससे ज्यादा तो उसकी लागत लग जाती है। मोदी जी तो 6000 दे रहे हैं ना, अरे 6000 से कुछ नहीं हो रहा, वो आ जाए हमसे और ले जाए 12000। यूपी में एग्जाम बाद में होता है, पेपर लीक पहले होता है, एग्जाम बाद में होता है, एग्जाम बाद में होता है, पेपर लीक पहले हो जाता है। 2018 का वीडियो का देख लो, यूपी कॉन्स्टेबल देख लो, यूपी दरोगा देख लो, आरओ देख लो, जो भी है मतलब सब मिला के सब देख लो उठा उठा के। तो सरकार भी है, सरकार भी की हुई है, अच्छा और की सरकार में है की जैसे धर्म पे उलझा, धर्म पे उलझा, मुद्दा भटका रहा है, मुद्दा भटका रहा है बिल्कुल, धर्म पे कैसे उलझा है भाई बताना भाई क्या है, अभी तू नारे लगा रहा है, किसके लगा रहा है, किसो ठीक है भगवान के नारे लगा रहा, अगर तू पढ़ा लिखा कर ठीक से होता ना तो नारे नहीं लगाता, तू शिक्षा की बात करता सबसे पहले, धर्म पे उलझा कैसे रहो, उलझा कैसे पार्टी ये तो बताओ, उलझा कैसे रहे तुझे देख, अब मंदिर का मुद्दा ला दिया, इलेक्शन आया, मंदिर का मुद्दा क्या है तो बता, उससे पहले तो नहीं आया इलेक्शन से पहले मंदिर का मुद्दा, मंदिर का मुद्दा इलेक्शन से पहले तो नहीं था, इलेक्शन से पहले तो नहीं था मंदिर का मुद्दा, अरे बात सुन लो भाई, इलेक्शन से पहले मंदिर का मुद्दा तो नहीं था, क्या इलेक्शन से पहले नहीं था भाई, सुन अब एक चीज बताइए, सुनिए अगर मंदिर सबसे पहले कांग्रेस नहीं बनाया था सबसे पहले फिर वो कोर्ट में मैटर चला गया था, जय श्री राम से हमें भी कोई समस्या नहीं है, जय श्री राम से कोई बदायूं में दो बच्चों की नार काटी जाती है ठीक है, कोई भी विपक्ष नहीं बोलता, दूसरी बात मुख्तार अंसारी मरता है ठीक है, पूरा विपक्ष खड़ा होता है बोलने के लिए, बताइए मंदिर का ताला किसने खुलवाया था आपको, बहुत किसने खुलवाया था मंदिर का ताला, आप बताओ मंदिर का ताला किसने खोला था, बोल ले मंदिर ताला खोलिया, मंदिर के जो कार सेवक आए थे उन पे गोलियां किसने चलवाई थी, किसने चलाया, किसने पूछा, मुलायम सिंह यादव ने आदेश दिया था, जाके सर्च कर लिया अभी दिखा दू, मुलायम सिंह यादव गोली नहीं चलवाने वाले हैं, बहुत पुरानी बात होगी, मुझे एक चीज का जवाब दे दो, कुछ दिन पहले ना भाई एक मिनट रुक जा, कुछ दिन पहले बदायूं में इतने इतने बड़े बाड़गा की दो किनार काटी जाती है, कोई भी विपक्ष में नहीं बोलता, लेकिन जब मुख्तार अंसारी मारा जाता है ना पूरा विपक्ष खड़ा हो जाता है उसके, बताइए भाई महंगाई है, मणिपुर में नंगे घुमाए जाते हैं, ठीक है करते हैं, एक मिनट दोनों हाथ भरा बातचीत को करते हैं, शुक्रिया धन्यवाद।